मैंने कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हुए मे बी आपको लाइक आपको पसंद आया या फिर नहीं, डजंट मैटर. सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक ऑफ टुडे. द फर्स्ट थिंग, आज का थीम है, आज का टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग. यू नो व्हाट व्हाट्स द मीन्स ऑफ व्हाट्स द रियलिस्टिक मीन्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है? तो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सी एक्सेप्शंस हैं. लोग समझते हैं पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, लोग एक्चुअली लोगों को कंफर्म नहीं है कि रियलिटी पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है. तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव थिंकिंग बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या नहीं है. मैं पहले ये डिस्कस करता हूँ. तो पॉजिटिव थिंकिंग, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग व्हिच शोज इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग क्या नहीं है, इसके लिए तीन कॉन्सेप्ट्स मैं आपको देता हूँ. फर्स्ट स्टेप इज, अगर हम जो हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम पाना चाहते हैं वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये सोचते रहना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है. सेकेंड टर्म, जो हम पाना चाहते हैं अगर हम उसके बारे में अच्छा सोचें और वो चीज़ हमें मिलेगी, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड, जो ऑब्वियस सी बात है कि जो हम लोग बिहेवियर अपने करियर ओरिएंटेड में या फिर अपने लाइफ में वो ऑब्वियसली हम लोग बोलते रहते हैं, जैसे कि हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ओरिएंटेड रहते हैं, हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं. तो उस टाइम में हम बोलते हैं हम अपने करियर के प्रति सब कुछ अच्छा सोचें, कुछ भी बुरा ना सोचें. बुरा इन द सेंस कि हमारे साथ कुछ भी बुरा ना हो, हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एंड ऑल दैट. ये अगर हम अपने करियर के बारे में अच्छा सोचते रहेंगे तो वो अच्छा ही होगा. That's also not a पॉजिटिव थिंकिंग. इसे भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बोलते. इसके टर्म में एक रियलिस्टिक एग्जांपल है मेरे पास. जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में था तो एक्चुअली उस टाइम में क्या है कि एक ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट था, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था. उसने इमेजिनेशन करी थी कि वो ट्वेल्थ का एग्जाम देगा, उसके 98% आएंगे तो वो इस कॉलेज में एडमिशन लेगा, ये करेगा. उसने अपनी मार्क्स ओरिएंटेड, अपने मार्क्स बेस पे अपनी करियर की पूरी प्लानिंग और एक इमेजिनेशन कर ली थी. रिजल्ट आए, एग्जाम्स हुए, तो उसमें क्या हुआ, रिजल्ट आए, एग्जाम्स हुए और उसमें उसके अनफॉर्चुनेटली उसके मार्क्स आए 96 पॉइंट समथिंग परसेंट. इन दैट केस उसने सुसाइड कर लिया. ऐसे इंडिया में एग्जाम्पल्स बहुत से हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं, करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं, जो हर साल मार्क्स कम आने की वजह से या फिर किसी एग्जाम्स में फेल होने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया. उन्होंने सुसाइड क्यों किया? सिर्फ एक गलत ट्रैक पे चलने की वजह से. एक गलत ट्रैक उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो ये तो हुआ एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल. मैं आपको बिहेवियरल नॉलेज देता हूँ, बिहेवियरल एग्जाम्पल्स देता हूँ. एज्यूम करो यहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है. आप स्टूडेंट हो, आप बैटिंग कर रहे हो. सो क्या हो कि आप बैटिंग कर रहे हो, सामने लाइफ है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है. स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ है जो आपके पास एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है और आप स्टूडेंट हो, बैटिंग कर रहे हो. मैंने और ये आपके पीछे कोई स्टंप नहीं है, कोई फील्डर्स नहीं है, कोई विकेट कीपर्स नहीं. आप स्टूडेंट हो, बैटिंग कर रहे हो, सामने से लाइफ है, लाइफ एक बॉल फेंक रही है. लाइफ ने एक बॉल फेंका, अपने बैट अपने लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट किया, बैट घुमाया, बॉल मिस हो गई, पीछे चली गई. मैंने कहा ना यहाँ पे कोई स्टंप नहीं है, कोई फील्डर्स नहीं है, तो आउट होने का चांसेस नहीं है. इसका मतलब ये है वो लाइफ जो
लाइफ एक के बाद एक बॉल फेंक रही है, आपने बैट घुमाया, बॉल मिस हो गई, बॉल पीछे चली गई, तो क्या हुआ? लाइफ ने एक बॉल फेंकी, आपने बैट घुमाया, बॉल मिस, अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? सुसाइड करोगे? सुसाइड नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है। अगर आप एज्यूम करो, आप अगर पेरेंट्स हो, अगर आपके बच्चे से एक बॉल छोड़ गई तो आप क्या करोगे? डूब के मर जाओ, पानी में डूब के मर जाओ, तो कुछ नहीं कर सकता, यू आर नथिंग एल्स, नो वे। समझो लाइफ क्या है। लाइफ वो नहीं जो आप सोचते हो, लाइफ वो है जो आपकी सोच से परे है, जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच सकती, वो है असली जिंदगी। तो क्या है? एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, बॉल मिस हो गई, वो बॉल्स क्या है? वो बॉल्स अपॉर्चुनिटीज हैं जो लाइफ एक के बाद एक फेंकती चली जा रही है। वो बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई छोटी अपॉर्चुनिटीज है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। जिसको हम बड़ा समझते हैं वो कभी कभार छोटी होती है, और जिसको आप छोटा समझते हैं वो कभी कभार बड़ी हो जाती है। दैट द रियल अपॉर्चुनिटी ऑफ द टाइम, जो एक के बाद एक वो बॉल करती चली जा रही है। यहाँ पे कोई विकेट्स नहीं है, कोई फील्डर्स नहीं है, यानी आप चाहो भी तो आप जिंदगी की खेल में आउट नहीं हो सकते, तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। ठीक है, तो लाइफ ने दूसरी बॉल फेंकी, आपने लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट किया, बॉल पे कॉन्सेंट्रेट किया, बैट घुमाया, दूसरी बॉल मिस, दूसरी बॉल मिस। दुनिया के नियम में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आपको समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? कि लाइफ में एक इवेंट में फेल होने से पूरी लाइफ में फेल नहीं होती। एक इवेंट का एंड पूरी लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ में हजारों लाखों इवेंट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो पहली बॉल आई, दूसरी बॉल आई, आपने बैट घुमाया, दोनों मिस, बॉल मिस, आप फिर भी टिके हुए हो, आप बैटिंग कर रहे हो। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़ाई, अच्छा छक्का, सारी की सारी कसर एक बॉल में पूरी, पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर, बस वो एक दिन। That's called imagination. If you assume, अब क्या करना है? आपने छक्का मारा, छठी बॉल पे आपने छक्का मार दिया, सारी की सारी कसर पूरी हो गई। बट अब क्या करना है? अब हमें थक करके बैठना नहीं है, जा करके यार मैंने तो ये छक्का मार दिया, छक्का मार दिया, छक्का मार दिया, वो असल पहले मैंने छक्का मारा था ना, हो गया। एक छक्के से बैठना नहीं है। लाइफ में एक छक्के क्यों, 100 छक्के क्यों नहीं, 1000 छक्के क्यों नहीं, 1,00,000 छक्के क्यों नहीं? लाइफ एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी फेंकती चली जाएगी। मुझे क्या करना है? मुझे बस कॉन्सेंट्रेट करके खेलते रहना है। तो बोलते ना, ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। तो बस चलते रहना है, ठीक है। अब देखो, ये तो वो एग्जाम्पल्स, अब रियलिटी की बात करते हैं। ये वो अब तक का सिनेरियो वो अलग रखो, अब रियलिटी देखो, रियलिटी है क्या? If you want to be successful in your life, then you have to increase your 3 essential concepts. The first thing is called positive thinking, जिसकी मैंने अभी बात की। तो रियल में पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? रियल में पॉजिटिव थिंकिंग वो है आप जब अपने आप रियल में पॉजिटिव थिंकिंग वो है जब आप अपने काम में 100% फोकस करते हो। यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ 100% फोकस इन यू एनी टाइप्स ऑफ वर्क, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग, दैट्स कॉल्ड रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। इसके बाद तीनों कॉन्सेप्ट, वो तीनों कॉन्सेप्ट क्या थे? अनरियलिस्टिक विशफुल डिजायर, अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग, जिसका पॉजिटिव थिंकिंग से कोई दूर दूर कनेक्शन नहीं था, बट अपने काम में 100% कंट्रीब्यूशन, दैट्स कॉल्ड रियल पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, तीन कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करो। इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू इंक्रीज योर 3 टाइप्स ऑफ एसेंशियल टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव थिंकिंग, जिसकी मैंने अभी बात करी। सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड टर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड विल पावर। इफ यू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस, देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इज द कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस, देयर आर टू एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। बट रियलिटी क्या है? किसी एक के लैकनेस से, किसी एक की कमी से दूसरे की सप्लाई नहीं हो सकती, दूसरे की पूर्ति नहीं हो सकती। दोनों का होना बहुत जरूरी है, रियलिटी ये है। सो कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस, देयर आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
If there is no any piece of confidence, there is no piece of success. If there is no any piece of, and success has no existence without confidence. So confidence is the most important term. Confidence कैसे आता है? कैसे आप कहोगे कि confidence increase करो? मैं यहाँ बोल रहा हूँ, that's why the confidence. आप सुन रहे हो? That's why the confidence. मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, that's why the confidence. If you want to be an IAS officer, that's why the confidence. If I became officer, that's why the confidence. If you want to do in your lab, then you have to increase your confidence without, because without confidence, you have no any piece of success. That's the reality. Confidence increase कैसे होगा? कुछ लोग बोलते हैं मेरा confidence level low हो गया है. Confidence मैं कुछ लोगों के सामने बोल नहीं पाता हूँ. Now that जो भी मतलब exceptions की बातें करते हैं, मैं उनको एक ही बार बोलूँगा. If you increase your confidence, if you want to increase your confidence, अब अगर अपनी confidence को increase करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप से एक टैग, अपनी एक टैग ना लो. हाँ यार, I'm the best. अपने आप से बोलो, I'm the best, I'm the supreme, I'm the apex, I'm the supremacy, I'm the best in the world. Directly बोला करो, no hesitation, no any selfishness. But the one fact is called, I'm the best. If I'm the best, then I'm only the best. I'm not only the best, but I'm the best. So confidence increase करो, success मिल जाएगी. And the term and third and most important term is called willpower. इच्छा शक्ति, willpower. You know what willpower? You know what? What's the drastic means of willpower? मैं simple से examples देता हूँ. अब अगर सोचो, if you think then, if you want to go in IIM, IITs, UPSC, IAS and all that. तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको एक विल पावर चाहिए, इमेजिनेशन करो कि हाँ यार मुझे ये करना है, आई कैन डू इट एंड ऑल दैट. जो भी है, सबसे पहले आपको विल पावर इंक्रीज करना होगा. विल पावर क्या है, इसका मतलब समझो. मुझे IAS officer बनना है. इफ आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS officer, देन मैं देखूंगा कि अब मैं एज्यूम करो, मेरी फैमिली बोल रही, एज्यूम करो आप IAS officer बनना क्यों चाहते हो, आप IIM में जाना क्यों चाहते हो, आप IITs में जाना क्यों चाहते हो, why you want to go in IITs, IIM and all that. मम्मी ने कहा इसलिए जाना है कि फ्रेंड्स जा रहे हैं इसको देख कर जाना है, ये बिल्कुल नहीं करना है. मम्मी ने कहा है तो IIM में क्यों जाना, why, मेरा मन नहीं है IIM में क्यों जाना, फ्रेंड्स जा रहे हैं उनको देख के IIM में मुझे क्यों जाना. दिस इज द सोर्स, द रियल लैकनेस ऑफ विल पावर. सो विल पावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म. अपनी जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, एंड अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, बिकॉज डिटर्मिनेशन, सक्सेस, विल पावर, confidence, there are four circles of supremacy of success. Willpower, positive thinking, confidence and the last term is called success. Success ko achieve karna hai to ye sare steps hain, step by step and all that. So step to step karte raho, success achieve karoge. The last term apne aap se ek motivational speech and all that rakh lo, jaise ki main obviously bolta hu yaar, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शर्म नहीं. द फर्स्ट थिंग मैं ऑब्वियसली अपने आप से बोलता रहता हूँ, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट व्हाट वी डू. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ? सो प्लीज यार इस वीडियोस को देखो एंड ऑल दैट. देखो या मत देखो, आई डोंट केयर. देखोगे तो अच्छा है, नहीं देखोगे तो और अच्छा है. आई जस्ट डोंट केयर. यस माय फन, यस आई एम योर फन.